बकरी मुर्गा कबूतर विकण्याचा हा व्यवसाय आमचा खानदानी व्यवसाय अठवणीचा व्यवसाय असून आज पूर्ण विदर्भात हा बाजारपेठ पक्षीचा फिरतो। त्याकरता अमरावती शहरात ही आम्ही गरीब लोक हा व्यवसाय करण्यात तयार असून हा व्यवसायाची मनपा अमरावती विभागाकडून बाजार लावण्याची परवानगी देण्यात यावी या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने मनपा आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाच्या अमरावती शहर अध्यक्ष वहीद खान यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे। काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभाग शहर अध्यक्ष आज माननीय महानगरपालिका आयुक्त साहब को निवेदन देने आए हैं। इस कोरोना काल के अंदर बेरोजगारी का बहुत बड़े पैमाने पर लोग घरों पर अपने रुके हुए हैं। आज महानगरपालिका आयुक्त साहब को निवेदन इसलिए संदर्भ देने आए कि जो जिस तरह बैल बाजार और मच्छी बाजार गाय बाजार बैल बाजार रहता है उसी तरह से इन कुछ लोगों का बकरी बाजार कबूतर बाजार मुर्गी बाजार के संदर्भ में निवेदन देने आए हैं कि भाई मुस्लिम पश्चिम परिसर के अंदर में और पूरे अमरावती शहर में नहीं तो पूरे जिले के अंदर में ऐसे 5,000 व्यवसायी है जो इसका बिजनेस करते हैं और ये जहाँ पर भी आठवाड़ी बाजार में दुकान लगाते हैं वहाँ उनको पुलिस करार देती है क्योंकि उनके पास में परवाना नहीं है। हम महानगर पालिका आयुक्त साहब को निवेदन में ये दर्शाया है कि इन लोगों को आप तात्पुरता कहीं ना कहीं इनके रोज़मर्रा की रोजी के लिए सिर्फ 3 घंटे के लिए वो भी संडे दिन आ रहा है शुक्रवार दिन आ रहा है वो 3 घंटे के लिए यदि आपको उनको मुस्लिम परिसर के अंदर बड़े बड़े ग्राउंड है डिप्टी ग्राउंड है एकेडमी का झरला हाईस्कूल है और कई तरह के ग्राउंड जो खाली पड़े हैं जहाँ पे लोग गंदगी कर रहे हैं या कचरा डाल रहे हैं अगर इन व्यवसायों को जगह दी जाए व्यवसाय करने के लिए तो लोगों का भला होगा। कि कोरोना काल का वक्त है लोग वैसे ही परेशान हाल है और बल्कि आपकी जो फीस है 10 रुपये 5 रुपये जो पॉलिसी है आप इनसे ये भी फाड़ सकते लेकिन आप तत्काल इनको तात्पुरता भी अगर आपने इनको जगह दे दी है तो इनका रोजी रोटी का मसला हल हो जाएगा। न्यूज़ 9 महाराष्ट्र साठी प्रतिनिधि अहमद अली अमरावती।